आज हम जो मिठाई बनाने जा रहे हैं वह दही, चीनी, इलायची और केसर से बनी एक स्वादिष्ट पारंपरिक महाराष्ट्रीयन मिठाई है। इसे गुजरात में भी बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही सरल है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 1 लीटर गाढ़ा ताज़ा दही लिया है। इसे हमने घर में ही जमाया था। श्रीखंड के लिए वैसे तो ताज़ा ही दही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ दही देखिए कितनी अच्छी तरह से जमकर तैयार हुआ है। इसे मैं आपको चम्मच से निकाल कर दिखाती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया दही जमकर तैयार है। ठीक ऐसे ही कंसिस्टेंसी का दही हमें चाहिए। तो श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर लेंगे। स्ट्रेनर में कॉटन का पतला कपड़ा लीजिए। बस इसी तरह के एक साफ कपड़े में हम पूरे दही को निकाल लेंगे। नीचे एक बर्तन रख लेते हैं ताकि जो उसमें से खट्टा पानी निकले तो उसे भी हम वेस्ट ना जाने दें। उसका भी हम बढ़िया थोड़ा दही और मिला करके कढ़ी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से पूरा दही निकाल लेती हूँ और इस कपड़े की एक कस के पोटली बना लेती हूँ और इसे 10 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे। चाहो तो आप इस पर वजन रख सकते हो। अब इसे हम रख देते हैं 8 से 10 घंटे के लिए। यहाँ देखिए इस तरह से इसमें से पानी निकल आएगा। हमने इसे पूरी रात रहने दिया है और अब यह जो चक्का बन के, इसे चक्का बोलते हैं, चक्का बन करके पूरी तरह से तैयार है। अब इसके लिए हमने यहाँ केसर के कुछ धागे दूध में भिगो लिए थे, 8 से 10 इलायची पाउडर बना लिया, काजू पिस्ता का कतरन और शक्कर ले ली है जिसे हमने पीस कर तैयार कर ली है। अब इस चक्के को देखिए बहुत ही बढ़िया जम गया है। 1 लीटर दूध का लगभग 300 ग्राम जितना चक्का बना हुआ है और इसमें से 2 ग्लास पानी अलग हो गया है। अब इस चक्के को हम बाउल में निकाल लेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से हमें फेंटना है। वैसे तो पारंपरिक रेसिपी है हाथों से ही फेंटना चाहिए, लेकिन इसको हम स्पैचुला के मदद से फेंटेंगे। यहाँ हम इस स्पैचुला को लगातार चलाते हुए इसे फेंट लेंगे ताकि इसका जो फैट है वो रिलीज होने लगेगा और इसमें काफ़ी अच्छी तरह से चिकनाई आ जाएगी। अभी आपको ये जो चक्का है कुछ भरभरा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे इसे फेंटेंगे इसका फैट रिलीज होते जाएगा और यह एकदम बिल्कुल चिकना हो जाएगा। इसे और ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम इसमें बाद में थोड़ा सा 1 या 2 टेबलस्पून ताजी मलाई ऐड करेंगे। बस इसी तरह से इसे दबाते हुए और लगातार चलाते हुए फेंट लेते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक या हैंड विस्कर से भी फेंट सकते हैं। श्रीखंड को कई तरह के फ्लेवर में बनाया जा सकता है, जैसे मैंगो, बटरस्कॉच, रोज़, चॉकलेट फ्लेवर है, लेकिन हम यहाँ इसे इसके पारंपरिक फ्लेवर में ही बनाएंगे। तो यहाँ इसे फेंटते हुए लगभग हो चुके हैं 10 मिनट। इसे अभी हमें 5 से 7 मिनट के लिए और फेंटना है। जब यह बनकर तैयार होगा तो बहुत ही डिलीशियस होगा, तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ देखिए इसमें से काफ़ी फैट रिलीज होने लगा है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ होने लगा है। फेंटते फेंटते इसे हमने काफ़ी स्मूथ कर लिया है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें मिला लेना है। जैसे इसमें हम मिलाएंगे सबसे पहले शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप अपनी पसंद के हिसाब से, जैसा अगर आप अच्छा मीठा खाना पसंद करते हो, अगर आपने दही को फ्रिज में नहीं रखा है, थोड़ा खट्टा आ गया है, तो थोड़ी ज़्यादा शुगर मिलाइए। इलायची और केसर वाला दूध, साथ में थोड़े पिस्ता और बादाम की कतरन थोड़ी बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसके खास टेस्ट के लिए इसमें हम डालेंगे जायफल जिसे हम घिस लेते हैं। थोड़ा सा दूध लेकर के पत्थर पर इसे हमें इस तरह से घिस लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है क्योंकि इसकी हम कुछ 2 से 3 बूंदे ही डालेंगे, थोड़ा ही डालें, नहीं तो इसका बहुत तेज फ्लेवर होता है। अब इसे इस तरह से चम्मच में हम निकाल लेते हैं।
बस इतना ही हमें इसमें डालना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। फेंटने के लिए यहाँ हम विस्कर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे यह और ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएगा। अब इसे हम अभी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, जिससे सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मिक्स हो जाए और सभी का फ्लेवर श्रीखंड में अच्छी तरह से आने लगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच ताजी मलाई और इसे भी अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। यहाँ लगभग हमने 3 से 4 मिनट इसे फेंट लिया है। यह देखिए कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल फ्लफी हो चुका है। श्रीखंड हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, आज का डिलीशियस फ्लफी सा राजभोग श्रीखंड बनकर तैयार है। इसे हम पिस्ता और बादाम की कतरन से गार्निशिंग कर लेते हैं। यह अभी थोड़ा फेंटने में रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसे हम कुछ समय के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे यह बहुत ही बढ़िया ठंडा हो जाएगा और इसका एक अलग ही फ्लेवर निखर के आएगा। तो आपको आज की मेरे श्रीखंड की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।